हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर दोस्तों आप किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे में दोस्तों अगर आप हिसाब किताब को मेंटेन रखने के लिए खाता बुक का यूज़ करते हैं, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम किसी को अगर व्हाट्सएप के थ्रू या फिर डायरेक्ट मैसेज करते हैं, ऐसे में दोस्तों आप जो मैसेज करते हो उसकी लैंग्वेज आप कैसे चेंज कर सकते हो अपने खाता बुक में। तो दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट मिले थे कि हम किसी को इंग्लिश में मैसेज करें, उसको अगर समझ नहीं आ रहा तो उसको हम हिंदी में मैसेज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने अपने खाता बुक को ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर मैंने दो कस्टमर को ऐड कर रखा है। तो दोस्तों जैसे मैं किसी कस्टमर पर क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पर ऐड कर रखे। तो दोस्तों समथिंग 900 रुपये जो मैं किसी कस्टमर में मांगता हूँ, ऐसे में दोस्तों मैं उसको रिमाइंडर के थ्रू याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं 900 रुपये जो उसमें मांगता हूँ यानी कि उसका ड्यू बैलेंस है। तो ऐसे में दोस्तों आप यहाँ से SMS पे क्लिक करते हो तो सीधा यहाँ से आप उसको SMS सेंड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि अभी जो मैं SMS यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ वो इंग्लिश में है। ऐसे में दोस्तों अगर आप इसकी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो या फिर दोस्तों यहाँ पर आपको रिमाइंडर का भी ऑप्शन मिलता है जिसके जरिए आप व्हाट्सएप के थ्रू उसको रिमाइंडर भेज सकते हो। जैसे यहाँ पर रिमाइंडर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सीधा उसके चैट में चले जाओगे, उसको यहाँ से मैसेज सेंड कर सकते हो कि उसका 900 रुपये का पेमेंट जो है बकाया है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह के मैसेज की लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हो यानी कि कस्टमर को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि उसका कितना पेमेंट बकाया है यानी कि जो भी लैंग्वेज में आप मैसेज सेंड कर रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है, तो किस तरह आप SMS की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेटिंग में चले जाना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे सेंड फ्री SMS का। तो दोस्तों आप जो भी SMS सेंड करते हो वो अगर आप फ्री में सेंड करना चाहते हो तो आपको इस वाले ऑप्शन को अनेबल रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर SMS लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप जिस लैंग्वेज में सामने वाले कस्टमर को मैसेज सेंड करना चाहते हो यानी कि दोस्तों अगर आप प्रत्येक कस्टमर को अलग अलग लैंग्वेज में मैसेज करना चाहते हो तो दोस्तों आपको सबसे पहले कस्टमर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप जिस प्रकार की लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर हिंदी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एडिशनल SMS सेटिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको इंक्लूड डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो अगर दोस्तों यहाँ पर आप अलग से किसी प्रकार का विवरण देना चाहते हो अपनी बैंक डिटेल या किसी भी प्रकार का, तो आप इस वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको यहाँ से अनटिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि आप जो भी SMS सेंड करोगे वो कुछ इस तरीके का जो है सामने वाले को सेंड होगा, तो यहाँ पर आपको इसको सेव कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना, बैक चले जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं रिमाइंडर पर क्लिक करके यहाँ से सीधे उसको यहाँ से व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करूँगा, तो आप देख सकते हो कि पहले जो मैसेज इंग्लिश में सेंड हो रहा था वो अब उसको हिंदी में सेंड होने लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो आप खाता बुक में लैंग्वेज को चेंज करके किसी को भी मैसेज कर सकते हो। और यहाँ से दोस्तों जैसे मैं SMS पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों आप देख सकते हो कि पहले जो मैं उसको इंग्लिश में मैसेज कर पा रहा था, तो यहाँ से सीधा मैं उसको हिंदी में भी मैसेज कर पाऊँगा, जिससे कि अगर सामने वाला पर्सन को जो इंग्लिश में मैसेज पढ़ना नहीं आता तो वो हिंदी में पढ़ सकता है और समझ सकता है कि उसका कितना पेमेंट जो है बकाया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप खाता बुक में लैंग्वेज को चेंज करके किसी को भी मैसेज कर सकते हो।